है। अभी बात नहीं मानती मम्मी मेरी हेलो दोस्तों गांव की लाइव माँ बेटी चैनल में आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ सभी को प्यार भरा नमस्कार आज चाउमीन उबाल रखी हुई है आज नाश्ते में चाउमीन बनेगी दोस्तों राधे 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 जय श्री कृष्णा छोटों को आशीर्वाद बड़ों से नमस्ते सुबह की शुरुआत हो गई है गांव की। शुरुआत हो गई है। गांव की। लोग चलते हैं सब्जी का इंतजाम करते हैं। चलो, मम्मी और मैं दोनों लोग हम होंगे काम यार। भाव की, भाव दोनों में अब देखते हैं लगी भी आखिर नाई की, की जांबे बसा रहे हैं, हैं? मैं जाऊं इसका। हाँ। बहुत लंबा सफार्� ला ला ला, मम्मी चढ़ कैसे रही है <laughs> उम्र हो <laughs> आ, वा मा बेटी। मा बेटी जाती है लोग भाग ऐसे कहते हैं। थक गए गाइस। आ, ये लाखी जोड़ी हुई। कौन सी तोड़ा जाए? वह बड़ी वाली। थक गए गाइस। दोनों लोग, माँ बेटी, माँ बेटी थक भी बहुत जल्दी जाती है, है ना? ये हुआ। हम्म। ये मरी जाती है ना इन चीज़ से देखा वाली वकीमत हूं देखिए कैमरा एक्शन ये लो <laughs> अच्छा हुआ शादी मिल गई नहीं तो लटियार सोच रहे थे क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे अग... चलिए हाँ चलो चलते हैं हम हमारी अदा पहले ही करा भी जा रही है अच्छा हुआ मिल गई तोली ने जो नवस मम्मी इसी तरह होता रही है ये बाहर का गेट है गाइस अब चलते हैं अंदर घर से दरवाज़ा और ये वो सारी पुराने जमाने के नियम से ये बहुत पुराना गेट है गाइस आ गए आंगन में आप चलते हैं रसोई घर में आप ये फॉर्म है मिल गया है तो फॉर्म से आग लगा लेती हैं मेरी मम्मी करती हैं कमाल बरसात में अगर लकड़ी गिरी हो गई ना तो आग लगानी होगी सीध सीत आ लेकिन धूप है गाइस कल भी धूप थी ये लग गई यार इसी में बनेगा नाश्ता और इसी में बनेगा सब्जी।, सब्जी और रोटी चावल लगा डाली मम्मी आगे इस बार एक बार में कमाल कर दी मेरी, मम्मी। मम्मी मेरी कमाल कर दी आग जलाना बड़ा मुश्किल काम हो जाता तो मम्मी पहले चूल्हे में आग लगा देती है देखिए कितनी सारी लकड़ी भर दी है अब मैं चलती हूँ अपना काम स्टार्ट करती हूँ पहले तो नाश्ता बनाऊंगी जो चाउमिन उबाल के रखी हुई थी और चाउमिन बना है मैं सो के उठती हूँ उसके पहले रात में डिसाइड हो जाता है कि हम लोग को क्या नाश्ता बनाना है तो वही सुबह सुबह से अपना इंतज़ाम करी रहती हैं और मैं ब्रश मंजन करके अपना चाय पी के फिर लग जाती हूँ काम में गाइस तो मैं डाल दी हूँ जीरा और प्याज और कुछ नहीं था गाइस तो जितना सामान है उतने में ही चाउमीन बना डालेंगे जीरा प्याज और थो थोड़ा सा नमक भी डाल दिए वो सब भुन गए थे तो फिर डाल दी सोया सॉस चिली सॉस टमाटो सॉस इनको भी अच्छी तरह से वो करके फिर डाल दूँगी चाउमीन और तैयार हो गई चूल्हे में चाउमीन चूल्हे के चाउमीन का टेस्ट भी अलग ही रहता है गाइस और बताए आप लोगों को कुछ मसाला नहीं था मेरे पास तो मैगी का पैकेट रखा हुआ था तो मैं छोटे छोटे तो उन्हें मैगी के पैकेट निकाल के मसाला डाल दी गाइस और ये बन गई मेरी चाउमीन और फिर मैगी के लिए दूसरा मसाला मंगा लूँगी अभी फिलहाल के लिए नहीं तो काम चलाऊ कर ली गाइस अब ये उतारती हूँ गाइस और ये उतारती हूँ जब तक मेरे मोबाइल में फ़ोन आ जाता है वीडियो नहीं बना पाई गाइस पार्सल आ गया था फ्लिपकार्ट से मंगाई हुई थी आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो आप लोग को पता चलेगा लास्ट तक ठीक है और मैं कहती हूँ घर अच्छा हुआ पहली बार मंगाए हमारे गांव में आ गया है अब सब सुविधा उपलब्ध है अपने मोबाइल से मंगाई है वो भी फ्लिपकार्ट से मंगाई थी चलिए घर आकर दिखाऊँगी कुछ आ गए घर इसको पहले इधर रख देते हैं पहले काम निपटा लेते हैं फिर देखते हैं इसमें क्या है क्या मंगाई हूँ चलो अब आ गई मैं अपनी रसोई में मेरी मम्मी अपने सब्जी वब्जी छाक ली मुझे लेट हो गया पार्सल लेने जाने लगी तो अपना छाक के रख दिए लौकी जो हम तोड़ के लाए थे घर की लौकी की टेस्ट ही अलग होगा ढक देती मैं। आटा गूथ रही है मम्मी और सब्जी में ढक दी हूँ गैस और सब्जी पकने के बाद हम डायरेक्ट बना लेंगे रोटी क्योंकि सब्जी पक जाएगी ना तो फिर चूल्हा छोड़ दो ना ऐसे तो आग बुझ जाती है और बरसात के सीजन में ना तो और आग परेशान करके रखती है गैस अब मैं आ जाती हूँ मैं उसे दरबार करने लगी तो थो थोड़ा मैं गैस और मेरी सब्जी भी पक जाती है तो सब्जी निकालती हूँ मुझे याद आता है कि मैं तो चाउमीन ही नहीं खाई हूँ सब लोग खा ली मम्मी भी खा ली मोहित भी खा ली सब लोग खा ली मैं काम के आगे दरबार के आगे खाना भी भूल जाती हूँ गैस तो चाउमी ही नहीं खाई तो खाती पर बहुत टेस्टी चाउमीन बनी हुई थी गैस कुछ सामान नहीं डाला था ऐसे ही बना दी ऐसे हो जाता कभी कहीं बहुत अच्छी आ जाती है टेस्टी गैस और चूल्हे की चाउमीन है इसीलिए मुझे लग रहा है टेस्टी है गैस और खाने के बाद डायरेक्ट बनाने लगते हैं रोटी मैं बेलती हूँ तो मम्मी सेकती हैं गाइस जैसे आप लोगों को पता ही होगा मेरी मम्मी तो अकेले भी सेक लेती हैं पर मैं मम्मी के साथ हेल्प करवा देती हूँ गाइस और साथ में मैं दरबार भी करती जा रही हूँ रोटी भी सेकती जा रही दो दो काम करती जा रही हूँ मम्मी तो बैन मा लिए आप सब काम कर लेंगे पर जब रोटी सेकने का नंबर आता है गाइस तो आग जरूर से जरूर नाटक करती है गाइस बिना बैन माँ के फूकने से काम ही नहीं चलता है बैन माँ ले कर ही रोटी सेकना पड़ता है गाइस इसीलिए तो मुझे रोटी बनता नहीं है जहाँ मैं रोटी सेकने करूँगी तो आग अपने आप बुझ जाएगी इधर उधर लकड़ी हो जाएंगी नहीं बनता मुझे अब मैं क्या बताऊ कोशिश करूंगी अब ठंड आएगी ना ठंड में कोशिश करूँगी रोटी सेकने की क्योंकि आग थोड़ा मुँह में भी लगा करती है ना तो फिर समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या ना करूँ दिखता नहीं है मुझे गैस अब मैं रोटी सेक के फिर मिलती हूँ आप लोग से ठीक है गैस बन जाती है और मैं फास्ट रोटी बेल लेती हूँ मम्मी पीछे रह जाती है आग के कारण आग नहीं जल रही थी गैस और मैं अपना सामान वामान व्यस्त करके और रख देती हूँ अब अपने चावल का पानी अब हम रोटी के बाद डायरेक्ट चावल बनाएंगे गैस क्योंकि चूल्हे में तो आप लोग को पता ही है डायरेक्ट काम करना पड़ता है गैस और मैं चावल निकाल के हमेशा मैं चावल लेके आंगन में ही चावल को पटकती हूँ गैस क्योंकि मुझे उतने चीज़ फटकते आता नहीं है तो गिर भी जाता है फिर मम्मी को मैं कहाँ चिल्लाऊँ मम्मी आइए ये फटक ये ये करिए वो करिए मैं कुछ फटकने लगती हूँ और गिर भी जाता है तो अच्छा रहता है चिड़िया आ जाती है वो हमेशा रोज तके रहती है चिड़िया कब फटके की आरती और हम आए तो खाए दिखाऊँगी आप लोगों को ठीक है और आके फिर मैं चावल धुलती हूँ और ला के चावल डालती हूँ आग भी बंद बुध गई गैस ऐसे ही होता है थोड़ा गैप हो गया कि मेरी आग बुध गई तो पहले मैं चावल डालती हूँ चावल डालने के बाद फिर लेती हूँ बैनमा और बैनमा से करती हूँ हवा तो जलाती हूँ आग को बहुत हवा करने के बाद आखिरकार मेरी आग जल जाती है और बाहर आती हूँ देखती हूँ देखो चिड़िया खाएँ ये ती, ये तीन चार पांच चिड़िया हैं कि मुझे तके रहती कि बारह ग्यारह बारह बजे चावल पटकेगी गिरेगा तो हम चावल खाएंगे गैस और मैं देखिए चावल भी पकने लगा लगा जैसे दूध अपना रहा ना गैस लेकिन ये चावल है फेन निकल रहा प्लेट घटी इधर उधर गिर गई थी अब मैं निकालती हूँ पसाती हूँ पता है आप लोग को चावल हमेशा पसा के बना लो तो बीपी शुगर के लिए बहुत फ़ायदा करता है गैस हमारे यहाँ हमेशा ऐसे ही बनता है अगर चूल्हे में बना तो ऐसे ही बनता है जब हम गैस बना देते हैं तब कुकर में बनता है और फिर चलती हूँ बटर खा लेती है और मिर्ची उनको बहुत नुकसान करती है तो भी मेरी नहीं सुनती मैं मना करती हूँ कि मत खाया करिए उनके पेट में पतरी है पित की थैली में तो गैस बन जाती है इसी कारण की तबीयत आज बिगड़ गई है तबियत डाउन है गैस मना करती हूँ इतना मेरे मना करने के बाद भी नहीं मानती मेरी मम्मी ये सही नहीं और अब काम मत करिए काम मत करिए तो काम करने चल दी है एक पल आराम नहीं करती है रोज के भाते हैं। नहीं तो से फटकाई बीमार है तो अभी काम पहले खाने में नहीं कंट्रोल करेंगी अब फिर मना करो काम में तो काम में भी कंट्रोल नहीं करेंगी ऐसे तो मेरे हाल है मम्मी का माँ बेटी के बीच जंग छी रहती है अभी बात नहीं मानती मम्मी मेरी जंग रहती है गैस लड़की रहती है इसी बात में लड़ाई हो रही है कि मत करिए मत करिए निकाल ली हूँ सर मैं कूटती हूँ मिर्चे खा लिया गैस बनी है, तो बात ना सुनने का नतीजा हो जाता है। गैस मम्मी गैस। चली मैं कूटा था बहुत धूल उड़ती थी एक भी मेरी बात नहीं सुनी है अब ऊपर इतनी धूल उड़ रही है उससे कूट रही है मछली से तो क्या बताए अतियत है डाउन इसी बात में मेरे से और मम्मी की दोनों की बहस हो जाती है ये काम ना करिए वो काम ना करिए मम्मी सुनती नहीं उम्र होती जा रही है पर काम कम नहीं होना चाहिए चाहे जो हो जाए और लेके देखिए बैठी कुटी अब चलिए मैं कूट के देखती हूँ मुझसे बनता है कि नहीं चलिए यही मैं कूटा था आज मैं भी ट्राई कर लेती हूँ मम्मी की हेल्प करवा देती हूँ सब तबीयत मम्मी को तो बोल देती हूँ बड़े ताव से कि मैं कूटूंगी मैं कूटूँगी जब एक दो मूसर चलाती हूँ तब पता चलता है कितनी मेहनत पड़ती है और एक मूसर चलाओ इधर उधर दाल पूरे हर जगह फैल जाती है मम्मी लोग पता नहीं किस तरह कूटती है और बहुत ताकत भी लगाना पड़ता है गाइस मैं तो कभी ना कूट पाऊँ जोर तो अपने ज़... उसमें लगाई हुई हूँ कि कूटूँगी कूटूँगी पर मुझसे नहीं बन रहा था गाइस फिर मैं थक गई तो मैं छोड़ दी भैया मैं नहीं कूटूँगी मैं हार गई गाइस पहले के लोग कैसे कूट लेते थे दस दस कुरई पंद्रह पंद्रह कुरई पूरा इकट्ठा एक दिन में और ना चकरी पीस के आटा भी निकाल लेते थे बहुत मजबूत रहते थे, थे पहले के लोग गैस आज पता चला मुझको जब काम करना पड़ा गैस थक गई गैस कुर्ते कुर्ते पहले जमाने में कैसे लोग कुर्ते रहे बहुत मेहनत पड़ती है पहले की औरतें इसीलिए तो मजबूत रहती थी गैस कितना काम करती थी गांव की औरतें तो और दरना पीसना कूटना सब हाथ से ही करती थी बहुत मेहनत लगती थी गैस अब ना अब तो मान लीजिए गांव में भी सुविधा हो गई है सब चीज़ों की पर पहले तो एक भी सुविधा नहीं थी गैस और इस तरह हमारा गांव की लाइफ और दिनचर्या रहती है गांव की माँ बेटी की और आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ हाँ हाँ अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ अभी पार्सल में क्या आया है गाइस वो भी तो आप लोग को देखना है और फिर मैं चलती हूँ अपने रसोई घर में तो खाना लाती हूँ पहले तो मैं नहाती हूँ बाइस बहुत धूल उड़ती थी उससे राधे राधे जय श्री कृष्णा मिलते हैं अगले ब्लॉग में सभी को नमस्ते प्यार भरा ब्लॉग बने रहिएगा मूंग की दाल फ्राई लौकी की सब्ज़ी नमकीन ये, ये ताली हुई मिर्ची और ये नमक टाइप भाते थी। अच्छा। मूंग की दाल बनी है चावल तो दोनों को मिला देंगे मम्मी तो बन जाएगी खिचड़ी अपने जान मम्मी खिचड़ी खा रही है। पेट की आज गैस बनी है मम्मी को थोड़ा आराम मतलब थोड़ा वो है पेट में गड़बड़ी तो खिचड़ी खा रही मम्मी कोई दिमागदार होगा <laughs> खिचड़ी और मैं जो सुबह वो आया था ना पार तो मैं उसकी वो कर रही हूँ और दिखा रही हूँ आप लोगों को क्या है गाइस गांव की लाइफ माँ बेटी की ये है दिनचर्या और ये पता है आप लोगों को क्या क्या है जो मोबाइल रख के स्टैंड पता नहीं क्या बोलते हैं स्टैंड होता है ना मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत हो जाती थी गाइस अब आसानी होगी वीडियो बनाने में अब मैं भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाया करूंगा तो मुझे रखो कहीं उधर रखो पट्टी से मोबाइल गिरता था कहीं उधर मोबाइल गिरता था अब आसानी हो गई ये मजा आ गया पहली बार मंगाई पर अच्छा आया है मम्मी भी बैठ के देख रही क्या का मगाई सी अच्छा है क्या आप लोग भी भी हैं हैं अच्छा है और हम इसको ऐसे भी कर सकते लेना होगा ऐसे और अगर ऐसे करना होगा तो ये है ना अच्छा हो जाती है